नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंटू स्नैक्स एवर यूपी 22 में। आज का कॉल हमें आगापुर से आया, चलिए देखते हैं कहां और कौन सा सांप है और उसका सुरक्षित रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे उपले पड़े हुए हैं और इसी में ही सांप देखा गया है। चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। और ठंड चल रही है इस वजह से हाइबरनेशन में चले जाते हैं सांप, तो ऐसे उपलो वाली जगहों में छुप जाया करते हैं। ऐसा आप लोग शोर मत मचाओ यहाँ पे, नहीं दिख रही आप भी है। शांति बनाए रखो, शांति बनाओ, आप शोर मत करो। मम्मी तुम हट जाओ वहाँ से, तुम मेरे डालो 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 बनाते हैं, कलर चाहिए तो बता दो भैया। दोस्तों यहाँ पे सांप थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, चलिए देखते हैं कौन सा सांप है और इन उपलों को हटाने के बाद ही उस सांप का पता चलेगा कौन सा सांप है। दोस्तों यहाँ एक इंडियन रेड स्नेक है जो कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा इसकी पूंछ दिख रही है और ये बिना जहर वाला सांप होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं पाया जाता, इसके काटने से कुछ नहीं होता। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि सांप अब यहाँ पे मिल चुका है, चलिए वे इसको जल्दी से निकाल के पैक कर लेते हैं ताकि अपने अनुकूलित वातावरण में जाके आराम से आगे की ज़िंदगी काट सकें इंसानों से दूर। और ये रेड स्नेक है, इंडियन रेड स्नेक, इसे कभी ना मारें क्योंकि ये बिना जहर वाला सांप होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं पाया जाता, इसे ही धामन के नाम से भी जाना जाता है और कई गाँव में इसे पगैया भी बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको कभी भी कहीं कोई भी सांप मिले तो आप हमें कॉल करके बुला सकते हैं, हम इन वन्य जीवों को बचाने के कार्य में 24 घंटे काम करते हैं, तो इसलिए इन सांपों को ना मारें और इनको सुरक्षित रेस्क्यू करवाएं। धामन जिसे बोलते हो, घोड़ा पछाड़ जिसे कहते हैं, पूंछ मार देता है। गैया ही बोलती है, वैसे पूंछ मारने से भी कुछ नहीं होता इसके। अच्छा ये काटने से जहर नहीं है इसमें? इसमें जहर नहीं होता बिल्कुल भी, ये काटे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एक पीटी का इंजेक्शन लगवा लो और कोई दिक्कत नहीं है। और ये काटता नहीं है, बहुत सीधा सांप होता है। अच्छा जब इसे बहुत ज़्यादा दबाव मिलेगा जब ये काटे। ये बनमन ये गाय भैंसे चुपती है, धंगना लगा के दूध पी लेता है ये जानवर। है अंधविश्वास है, वो भी नहीं कर सकता सांप, कोई सांप दूध नहीं पी सकता है। जो सांप दूध पिया वो मर जाएगा। ये सब बकवास है, बकवास है, वो सिर्फ दूध, ये दूध को पचा नहीं सकते। नहीं इसमें जहर नहीं होता, कभी मत मारो। चलो ये तुमने बता दिया, धामन सांप में जहर नहीं होता है। इसमें जहर नहीं होता, सबसे सीधा सांप होता है। अरे मेरी बात सुन, अरे ये देखियो जहर होता तो ये कोई भगवान थोड़ा ही जो पकड़े पड़े हैं। इधर बुलाओ अंकल, इधर बुलाओ, आ जाओ अंकल, आ जाओ, आ गए आओ, पुरानी प्रजाति हो आप, आ जाओ इधर, आ जाओ, तो आओ बात कर लो, अपने बैठ के लो शादी भी आपसे सबसे चारों से, आ जाओ आप, अंधविश्वास फैला रहे हैं अंकल, बस अब हर चीज से निबड़ेगा, अंधविश्वास फैला रहे हैं। दोस्तों आपने जैसा कि अभी देखा कि बाबा ने बताया हर सांप में जहर होता है, तो इसी प्रकार का कुछ अंधविश्वास सांपों के बारे में फैलाया जा चुका है। पुराने बुजुर्गों ने इस तरीके से सांपों के बारे में अंधविश्वास फैला रखा है कि इसे हटाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे कि लोगों ने ये बताया कि ये सांप धामन जो है ये पूंछ मार देता है तो सड़ जाता है, ये काट लेता है, जहर होता है, उड़ के काटने वाले सांप होते हैं, इस प्रकार का कुछ अंधविश्वास फैलाया गया है। तो इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम इन सांपों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे इन सांपों की जान ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सके और इन सांपों को ना मारें क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता है। और आपको कहीं पे भी कोई भी सांप मिले तो आप हमें कॉल करके बुला सकते हैं, हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले पे आ रहा है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस सांप ने हमें किस तरीके से पकड़ लिया, ये लॉक लगा दिया, ये धामन की खासियत है, इस तरीके से ये लॉक लगा देती हैं। और चलिए अब इसको जल्दी से पैक करके इसके अनुकूलित वातावरण में इसे रिलीज़ कर देंगे, जहाँ ये अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत आराम से काटेगा। और हमारे चैनल सिंटू स्नैक्स एवर यूपी वाइज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे इन सांपों को बचाए जाने के कार्य में हमारा साथ दें।
तो दोस्तों सांपों का पर्यावरण में होना काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए सांपों को ना मारें, आप ज्यादा से ज्यादा इन सांपों की जान बचाएं। जीवन चक्र में सांपों का रहना भी बहुत जरूरी है और किसानों का दोस्त भी कहते हैं इन सांपों को, इसीलिए इन्हें ना मारें। चलिए दोस्तों अब हम जंगल में आ चुके हैं और इसको रिलीज करने का समय हो गया है और इसे रिलीज कर देते हैं, जहाँ ये अपनी आगे की जिंदगी बहुत आराम से काटेगा इंसानों से दूर। और दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग कहीं पे भी उपले हों या और सामान हो, लकड़ी वगैरह हो, तो इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से हटाएं, क्योंकि इस टाइम में ठंड के टाइम में सांप ऐसी जगहों में जाके छुप जाया करते हैं और इस टाइम में सांपों से खतरा हो भी सकता है। हाइबरनेशन की वजह से सांप इन जगहों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं और आप लोग उपले वगैरह हटाएंगे तो आपको बाइट भी कर सकता है, इसलिए उपले किसी लकड़ी वगैरह से हटाएँ और ध्यान से हटाएँ, इन सांपों को ना मारें क्योंकि इनका पर्यावरण में बहुत बड़ा रोल है। चलिए अब इस सांप को रिलीज कर देते हैं, जहाँ ये अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत आराम से काटेगा। दिखा